किसी और के लिए और शादी किसी और से। तुम्हारा संगीत है, नाचो गाओ, जो करना है करो यार। जिससे शादी करनी हो उससे करो ना। नहीं करनी किसी से शादी। चलो चलो दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ दादी का बर्थडे आने वाला है। हाय हाय, तुम सब यहाँ क्यों आ गए एक साथ? अरे मम्मी जी, हम तो आपसे यहाँ बात करने आए हैं और आप जो है कुमकुम भाग्य देख रहे हो। अरे मैं सीरियल देख रही थी, इतना अच्छा एपिसोड आ रहा था, तुमने टीवी बंद कर दिया। ओ तेरी, लगता है टीवी सीरियल देख देख के ताने मारने सीखे हैं। तू तो चुप कर। अरे दादी आप ये सब छोड़ो, आप कल रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, आप फिलहाल हमारी बात सुनो। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम सब लोग मेरे को घेर के बैठ गए हो? दादी हमें छोड़ के मत जाओ, आप कितने अच्छे हो। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को क्यों जल्दी बुला लेता है। मामा शांत हो जाओ। दादी हम सब हमारा जन्मदिन ना हर बार मनाते हैं, लेकिन इस बार हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, वो भी आपके स्टाइल में। हाँ दादी आप हमारे लिए कितना कुछ करते हो, हम चाहते हैं कि आप अब की बात जो भी चाहोगे ना आपके बर्थडे पे वो होगा। हाँ दादी जैसे हमारी विशेष होती हैं, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, वैसे आपके जन्मदिन को लेके आपकी भी तो ख्वाहिशें होती होगी ना। तो दादी आप हमें अपनी ख्वाहिशें बताओ, अगर हो सकेगा ना तो हम आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे बेटा क्या ख्वाहिशें, क्या जन्मदिन, अब मेरे दिन ही कितने बचे हैं, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मुझे धरती लोग छोड़ के स्वर्ग लोग जाना पड़ जाए। 100% सही बात कही, आपके मुंह में तो घी शक्कर। अरे मम्मी जी ऐसी बातें मत करो, अभी तो ना आपको बहुत दुनिया देखनी है। हाँ दादी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, आप बस हुकुम करो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आप जैसे चाहोगे ना कि आपका जन्मदिन ऐसे सेलिब्रेट होना चाहिए, हम वैसे ही आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। पहले तो मुझे इस पदौड़े से छुटकारा दिलवाओ। मामा 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ ना, ये क्या घर में महाभारत मचा रखी है। और दादी मामा का छोड़ो, आप बताओ बर्थडे का बताओ। जन्मदिन को लेके मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, जवानी में मैंने कभी ढंग से जन्मदिन नहीं मनाया तो अब क्या मनाऊंगी। अच्छा बहुत हो गया बर्थडे बर्थडे मनाना, छोड़ो इस सब को, बहुत लेट हो गया है, मुझे आ रही है नींद, मैं अब सोऊंगी, तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरों में जाके सो जाओ। यार दादी तो मान ही नहीं रही जन्मदिन मनाने के लिए, अब क्या करे। भाई पप्पू तू बता कैसे मनाए मम्मी का जन्मदिन। अरे दीदी छोड़ो ना, क्या बुढ़ापे में इस बुढ़िया का जन्मदिन मनाओगे। अब तुम लोग क्या छोड़ो, तो तुम लोगों को जो करना है अपना करते रहो, मैं तो चला अपने दफ्तर। रात को कौन सा दफ्तर। अरे तुम इस पप्पू पदौड़े को छोड़ो, मेरे को ना मम्मी जी की ख्वाहिश याद आई है। एक बार ना मैं मम्मी जी के सर में जब तेल लगा रही थी ना, मम्मी जी हा? आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? हाँ मैं मॉडल बनने की बहुत ख्वाहिश रखती थी। तुम्हें मालूम है मेरी जवानी में लोग मुझे सायरा बानो कहते थे, लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे और कई लड़के तो मेरी फोटो को अपनी किताब के अंदर छुपा के रखते थे। फिर मैं इतनी खूबसूरत थी ना कि कई लोगों ने मुझे मॉडलिंग करने के लिए बोला। फिर आपने ट्राई क्यों नहीं किया मम्मी जी? कोशिश की थी लेकिन जिस दिन कंपटीशन था बदकिस्मती से उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ हाँ मम्मी मुझे भी एक किस्सा याद आया, एक बार ना मैं और दादी साथ में टीवी देख रहे थे, तब दादी ने मेरे को अपनी एक ख्वाहिश बताई थी। अरे स्वाति देख देख कितनी अच्छी गाड़ी है ना। अरे दादी ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज है। मर्सिडीज? मर्सिडीज तो बहुत महंगी होगी। अरे दादी पूरे 80 लाख की है। 80 लाख? ये तो बहुत महंगी है, काश मुझे भी ऐसी गाड़ी में बैठने का मौका मिल जाए। अरे ऐसे तो दादी की एक ख्वाहिश मुझे भी पता है। क्या? एक बार जब मैं मंदिर के पास से जा रहा था ना, तो मैंने दादी को भगवान से प्रार्थना करते हुए सुना था। हे भगवान मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बड़े होशियार हैं,
केवल एक को छोड़कर एक नासमझ है। आपने उसको बिना अकल के ही भेज दिया, सिवाय पादने की उसको कोई और काम नहीं है, और ये सब उल्टी सीधी हरकतें करके मुझे परेशान करता रहता है। पर कुछ भी हो जाए, पप्पू है दिल का बड़ा साफ, और मैं ना मरने से पहले उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। उसके लिए कोई ऐसी लड़की भेज दो जो उसको संभाल ले और उसकी हरकतें भी सुधार दे। इन शॉर्ट, उस पप्पू पदौड़े की शादी करवा दो, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। बेशक दादी मामा की वजह से कितनी ही परेशान रहती हो, बट दादी मामा की फिक्र भी करती है। भाई अब हमें दादी की ख्वाहिशों का तो पता चल गया, लेकिन हम उसे पूरी करने का प्लान कैसे बनाएंगे? यार मेरा ना एक दोस्त है, उसके पास ना एक लग्जरी गाड़ी है, मर्सिडीज, और उसके साथ हमेशा बाउंसर भी रहते हैं, तो दादी की ये गाड़ी वाली ख्वाहिश तो मैं पूरी कर दूंगा। मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा और ये वाला काम हो जाएगा। और हाँ, मेरी ना एक दोस्त है, उसकी मॉडलिंग एजेंसी है, दादी की मॉडलिंग वाली ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगी। मम्मी, दादी की दो ख्वाहिशें तो हम पूरी कर रहे हैं, आप दादी की कौन सी विश पूरी करोगे? बेटा ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये तो मैं टाइम आने पे ही बताऊंगी। छोड़ो मम्मी, कोई बात नहीं, मैं मामा के पास जाता हूँ और मामा को जो विश पूरी करनी है दादी की मैं बता के आता हूँ। तू यहीं बैठ, मैं जाऊंगी। पप्पू, भाई पप्पू। अरे दीदी क्या हो गया? अभी तो आके बैठा हूँ दफ्तर में, यहाँ भी चैन नहीं है क्या? अरे पप्पू तू ये सब बात छोड़, जो मैं कह रही ना वो सुन, कल तुझे ना शादी करनी है। अरे दीदी क्या बात कर रहे हो, ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे थे, मैं कल ही जाके कांता से बात करता हूँ। लेकिन कांता एकदम से मानेगी नहीं ना। तेरी ना ऐसी चप्पल से सुताई करूंगी, दो मिनट में ना तेरी सारी चर्बी निकल जाएगी। तुझे ना सच में शादी नहीं करनी, तुझे कल के लिए बस नकली शादी करनी है। क्यों, कल ऐसा क्या है? अरे तू पहले बाहर तो आ जा। आता, एक मिनट। बहन बताना क्या बात हुई? दादी इतनी भी बुरी नहीं है जितना तू समझ रहा है। मतलब? इन शॉर्ट, उस पप्पू पदौड़े की शादी करवा दो बस। अरे क्या बात कर रहे हो दीदी, दादी ने सच में ऐसे बोला? हाँ मामा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे अब तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे तो लगा था दादी से मुझे ताने मारती रहती है, डांटती रहती है, लेकिन दादी तो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, ये बात तो मुझे आज मालूम पड़ी। देखो अब तुम लोग टेंशन मत लो, अब मैं सब कुछ अपने आप संभाल लूंगा, ठीक है? मामा सब संभाल तो लेगा ना। मम्मी चलो, हमारा एक काम तो हो गया। हाँ बेटा ये काम तो हो गया, और जो मेरा गिफ्ट है ना वो भी दादी को देने के लिए तैयार है। गिफ्ट? अरे मम्मी क्या गिफ्ट प्लान किया है, हमें तो बता दो। ये ना मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी मैं वक्त आने पे। अभी तुम ऐसा करो, कल दादी का जन्मदिन है ना, तो चल के सो जाओ, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। चल आ जा। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया भाई बढ़िया, तू बता तेरे क्या हाल है? भाई तेरी ना एक छोटी सी मदद चाहिए थी भाई। क्या मदद चाहिए बता। अरे वो तेरे पास एक वो लग्जरी सी कार है ना यार, एक दिन के लिए चाहिए थी भाई। भाई देख कसम से उसको ना मैं खरोच भी नहीं लगने दूंगा भाई। भाई देख तुझे जो मांगना है ना तू वो मांग, पर मैं ये गाड़ी तुझे नहीं दे सकता, और ये गाड़ी ना भाई मेरी जान से भी प्यारी है, और अगर इसमें खरोच भी आ गई ना तो मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा, तो सॉरी भाई मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता। भाई भाई दे दे प्लीज यार। भाई देख मैं सच में ना तेरी गाड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा भाई, मैं ना बहुत संभाल के रखूंगा सेफली, बस एक दिन के लिए चाहिए भाई। अच्छा देख अगर तू चाहे ना तो भाई मैं तेरी गाड़ी का थोड़ा बहुत रेंट भी पे कर दूंगा। भाई देख वैसे तो मैं अपनी ये गाड़ी वाड़ी किसी को देता नहीं, पर तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी तेरे को दे तो दूंगा, 10,000 लगेंगे वो भी एक दिन के, अब इसे तू रेंट ही समझ लियो। 10,000? भाई मेरे पास तो बस 250 रुपए हैं। हैं? 250 रुपए? अबे 250 रुपए में तो मर्सिडीज का एक बाल भी नहीं हिलता। भाई तेरे को तेरी माँ कसम। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा ला। अबे ये क्या बोल दिया तूने? चल ठीक है ले लियो, पर मैं साथ आऊंगा और अपनी गाड़ी के साथ ही रहूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू भाई, पक्का तेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होने दूंगा भाई, तू बेशक से साथ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई, लव यू भाई, बाय।
चलो भाई, दादी के लिए मर्सिडीज का जुगाड़ तो हो गया, साथ में बाउंसर भी आ जाएंगे। ये फायदा होता अमीर दोस्तों का। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत दे, माता जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। अरे सवेरे सवेरे कौन आ गया, देख के आती हूँ। जी आप कौन? हेलो मैम, एक्चुअली आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारी एजेंसी ने आपको शूट के लिए सेलेक्ट किया है। मैं और शूट? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे दादी, दादी आपको याद है आपकी वो एक रील वायरल हो गई थी? हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। दादी ये ना मेरी फ्रेंड है, ये मॉडलिंग एजेंसी से है, इसको ना आपकी रील बड़ी पसंद आ गई, तो ये आपका फोटो शूट करना चाहती है। सच्ची मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? नहीं दादी। पक्का? अरे दादी हाँ, आप ना आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। चल ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। चले फिर। चलते मैम। चल। अरे अभी तो ये लोग मेरे साथ थे, अभी कहाँ चले गए? अच्छा वहाँ है। दादी मर्सिडीज। ये गाड़ी कहाँ से आई, किसकी है? दादी आज की हमारी सवारी यही मर्सिडीज है, और आप फोटो शूट के लिए इसी गाड़ी में जाओगे, वो भी इन बाउंसर्स के साथ। बाउंसर? कौन से बाउंसर, कहाँ है? निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लोन लगा के फोन बता दे। बेटा ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो बताए ये गाड़ी है किसकी? अरे दादी ये गाड़ी अपनी है, आज आपका बर्थडे है ना, तो आपके लिए ली है सरप्राइज। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, कैसे? चलो दादी अब बैठो गाड़ी में चलते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे पोते, अपनी दादी को इतना बढ़िया सरप्राइज देने के लिए। अरे कोई बात नहीं दादी, चलो अब चलते आओ। लेकिन ये कौन है? ये? हाँ? ये दादी ड्राइवर, यही तो गाड़ी चलाएगा। ये है ड्राइवर? देख भाई गाड़ी ठीक से ड्राइव करियो, जरा सा भी स्क्रैच आए ना तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो दादी आओ। इस साले ने माँ की कसम देके बहुत गलत किया, साला गाड़ी मेरी और मुझे ड्राइवर बना दिया। अरे तुम लोग भी तो आओ ना, तुम लोग कैसे आओगे? अरे दादी अब जाओ, हम तो इससे आएंगे। अरे वाह क्या बात है, दो दो गाड़ियाँ। हाँ जी मैम। अच्छा चलो ड्राइवर। अरे गाड़ी ठीक से चला, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? पता नहीं किस गवार ने तेरे को चाबी दे दी गाड़ी की, अब बोल क्यों नहीं रहा, मुंह में दही जम गया क्या? माफ कर दीजिए आप। मेरे को जवाब देगा,
बदतमीज कहीं का। अरे भाई संभाल ले यार, प्लीज यार। दादी शांत हो जाओ। तुम लोग चुप रहो। अरे दादी वो समझ गया है, अब वो गाड़ी ठीक से चला लेगा। हाँ हाँ इसको अच्छे से समझा दे, ठीक से गाड़ी चलाए, इसने मेरा भी गुस्सा देखा ही कहाँ है। बेटो तेरे से तो बहुत में निपटूंगा, भाई नहीं है मेरा। बेटा तूने गाड़ी तो बहुत अच्छी ली है, लेकिन ये ड्राइवर ठीक नहीं रखा। दीदी। अरे भाई तू। हाँ दीदी, आज मुझे आपको बहुत ही खास इंसान से मिलवाना है, इससे मिलो। ये है मेरी धर्मपत्नी, हमने आज ही शादी करी है। अरे बहू ये किस मनोज की आवाज है? अरे मम्मी जी पप्पू आया, पप्पू। अरे भगा इस पतोड़े को, ये घर में घुस गया तो बात मार मार के घर का पूरा माहौल खराब कर देगा। अरे मम्मी जी बाहर आके तो देखो, आप हैरान हो जाओगे, पप्पू ना शादी करके आया है। हैं? पप्पू शादी करके आ गया? अच्छा देख के आती हूँ। क्या मामा आपने अचानक से शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? अरे भांजे टाइम ही नहीं मिला कुछ बताने का, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, मैंने बस फटाफट दुल्हन पकड़ी, शादी करी और आ गया, और अब हम साथ में रहेंगे, आज से ये तेरी मामी है। हाँ पप्पू तूने शादी कर ली? हाँ दादी ओ, बस कर ली शादी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ, निकल। देखा कितना बदतमीज है ये पप्पू, किसी भी लड़की के साथ शादी करके यहाँ आके खड़ा हो गया। मम्मी ये क्या किया आपने? यही तो थी वो ख्वाहिश, बोला था ना टाइम आने पे बताऊंगी। वाह बेटा, आज मुझे पता चला मेरी बहू कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, और केवल बहू ही नहीं तुम सब लोग भी कितने बड़े ड्रामेबाज हो। लेकिन दादी हमने क्या किया? अच्छा बच्चू क्या किया है, अब तुम लोग कैसे मेरे सामने दूध के दुले हुए बन रहे हो? बेटा मुझे सब पता है, ये स्वाति कह रही थी ना दादी आपको मॉडलिंग एजेंसी ने शूटिंग के लिए सिलेक्ट किया है, और तू तू कौन सा कम है, तूने कहा था दादी मैं आपके लिए नई गाड़ी खरीद रहा हूँ, वो भी बाउंसर के साथ आपकी सेवा के लिए, और ये अपने भाई को घर से बाहर निकालने वाली, अगर इसने अपने भाई को सच में घर से बाहर निकालना होता ना तो कब का निकाल दिया होता, और इसका भाई वो पप्पू पदौड़ा, उससे शादी कौन करेगी? पैसे देकर तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है थोड़ी देर के लिए, अभी भी देखो बाहर खड़ा हुआ कान लगा के हमारी बातें सुन रहा होगा। मेरे पैसे दो, मैं लेट हो रही हूँ। दे रहा हूँ ना, ज्यादा टाइम लगाया ना तो एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। तो दे रहा हूँ यार, कुछ जाना। ये पकड़ो अपनी नकली माला। ये तुम लोग जो सब मिलके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। लेकिन दादी आपको ये सब कैसे पता लगा, हम तो आपके बर्थडे पे आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों जब तुम मेरे कमरे से बाहर गए थे ना तो रात को मैं पानी पीने के लिए उठी थी, और उस समय मैंने तुम लोगों की सबकी प्लानिंग सुन ली। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, असल में मैं तुम लोगों को बेवकूफ बना रही थी। बेटा जितनी दिवाली तुमने देखी है ना उससे 50 दिवाली ज्यादा ही मैंने देखी है। तुम लोग मुझे सरप्राइज देने की प्लानिंग में लगे थे और मैंने तुम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान कर लिया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ऐसे नहीं बताऊंगी, आओ मेरे पीछे। ओ पप्पू पदौड़े, मुझे पता तू बाहर खड़ा होके हमारी बातें सुन रहा है, आजा तू भी।
देखो बच्चों, तुम लोगों ने मेरे लिए इतने सरप्राइज प्लान किए, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम लोगों को एक छोटा सा सरप्राइज दूं। और रहा सवाल मेरी ख्वाहिशों का, तो जिंदगी जीने का असली मजा अधूरी ख्वाहिशों से ही है। अगर सबकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरे भाषण ही सुनते रहोगे कि चल के केक भी काटोगे? हाँ दादी, आओ केक काटते, आ जाओ। चलो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear daddy, happy birthday to you, happy birthday. हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू। और भाई, मुझे तो ख्वाहिशों वाला नहीं, मुझे अपने परिवार के साथ खुशियों वाला बर्थडे चाहिए। आप लोगों कैसा चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। दादी, केक बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत स्वाद है। So guys, कैसी लगी वीडियो? यार इतनी मेहनत करी दादी के लिए, इतनी सारी दादी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मशक्कत करी, लेकिन एट द एंड दादी को पसंद क्या आया? एक सिंपल केक कटिंग वाला बर्थडे। यही होता है, कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका एक सिंपल सा सॉर्टेड सा स्वीट सा बर्थडे मने। तो आप लोगों को कैसा बर्थडे बनाना पसंद है वो आप कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई, वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। फेवरेट पार्ट अपना वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ। और भाई, पसंद आई तो लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना। पूरे एक महीने के बाद वीडियो डाली है क्योंकि मैं गानों में बिजी था। और गानों से मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को अपना पहला गाना आ रहा है और 5 दिसंबर को अपना दूसरा गाना आ रहा है। तो तैयार रहो दोस्तों, अपने गानों को भी बहुत सारा प्यार देना है जैसे आप वीडियोस को प्यार देते हो। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना, गानों को जरूर सपोर्ट करना है। दोबारा बता देता हूं, पहला गाना 1 दिसंबर, दूसरा गाना 5 दिसंबर को आ रहा है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके जो भी सजेशंस हो वीडियोस के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे को कमेंट करके सब बता दो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।